मुझे बताओ धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, तीन पीढ़ियां चली गई और तीन ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं, अच्छा ही किया भाई बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे, मगर मैं कहकर जाता हूं बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की, और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो, अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में रजौरी पूंछ डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौशेरा में कहकर जाता हूं ये पर्वत युगो युगो तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाए।